अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल्स में हमने प्लानिंग के हवाले से बात की कुछ आपको टिप्स भी दी प्लानिंग करने के हवाले से अपने सोशल वेंचर के लिए फ्रॉम नाउ ऑन हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग के हवाले से और उसकी इम्पोर्टेंस और उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करेंगे स्ट्रेटजिक प्लानिंग जैसे कि टर्म से ज़ाहिर होता है ऑब्जेक्टिव सोशल एंटरप्रेन्योर के पास है उसका मिशन उसका विजन अब हम उन स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं जो कि वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जा सके जिनके ज़रिए से ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और उनको रिसोर्स किस तरह करना है इस बारे में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं जर्नली स्ट्रेटेजी को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो किसी भी तरह की डेफिनेशन हो वो कॉमन होती हैं नंबर वन कोर्स सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो विजन होता है सोशल एंटरप्रेन्योर का उसके जहन में जो आइडिया होता है उसको क्लियरली स्पेल आउट करना वन टू थ्री ऑब्जेक्टिव्स की टर्म में कि इस वेंचर को लॉन्च करने में या इस एक्टिविटी को करने में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसको किस तरह से अचीव किया जाएगा दूसरी चीज़ वो एक्टिविटीज़ जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं उनको चॉकआउट किया जाता है स्ट्रेटेजी में तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिसोर्सिंग है कि उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए या ऑब्जेक्टिव्स को अकम्पलिश करने के लिए रिसोर्स जो दरकार हैं वो क्या हैं कितने हैं और कहाँ से आएंगे तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो बेसिकली डेलिब्रेटिव है यानी गौरव फिक्र करने का अमल है लेकिन इसमें सोशल एंटरप्रेन्योर के पास वो लेजर नहीं होती कि वो आर्म चेयर में बैठ के हफ्तों महीनों सोचता रहे बल्कि ये एक डिसप्लेंड एफर्ट है जो सोशल एंटरप्रेन्योर खुद या उसके साथ उसकी टीम जो वॉल्टियर्स भी हो सकते हैं और हायर्ड प्रोफेशनल स्टाफ भी हो सकता है मिलकर करते हैं और उसमें उन्होंने देखना किया है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेस्ट जो कॉस्ट इफेक्टिव उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होगी और उनको कहाँ से रिसोर्स किया जाएगा एक टिपिकल बिजनेस स्ट्रेटजिक प्लान जो होता है उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं सबसे पहले तो बिजनेस की डिस्क्रिप्शन होती है कि बिज़नेस है क्या किस बारे में है उसके बाद मार्केट एनालिसिस होता है कि क्या इस वेंचर की इस बिज़नेस की कोई मार्केट है और उसके लिए मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं कि इस नए सोशल वेंचर के साथ सोशल एंटरप्रेन्योर ने मार्केट में कैसे एंटर होना है तीसरे जो प्रोडक्ट या सर्विस या दोनों चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं उनकी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर होती है कि ये प्रोडक्ट ऑफ़र की जाएगी किस तरह की प्राइस पर किन लोगों को टारगेट करके या सर्विस जो दी जा रही है वो क्या है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विस से किस तरह मुख्तफ है और किन लोगों के लिए ये यूज़फुल है और उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कौन सी ज़रूरत पूरी होगी या कौन सा सोशल प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा इसके अलावा जो कंपटीशन है उसका एनालिसिस किया जाता है कि जो नया सोशल वेंचर लॉन्च किया करने वाले हैं हम उसमें और कौन कम्पटिटर्स पहले से मौजूद हैं या फ्यूचर में किन और लोगों के साथ कंपटीशन हो सकता है फिर जो एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको चाकआउट किया जाता है कि बिज़नेस के हवाले से किस तरह से उसमें एडवर्टाइजिंग उसमें एक्सेस टू पीपल जो पोटेंशियल आपके बेनिफिशरीज भी हो सकते हैं और बायर्स भी हो सकते हैं वो सारी स्ट्रेटजीज इसके अंदर की जाती है फिर एक अच्छा स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लान जो है उसमें फाइनेंशियल प्लान जो है वो भी शामिल होता है इन चीज़ों के अलावा जो कि एक टिपिकल बिज़नेस स्ट्रेटजिक प्लान में है ये तो सोशल एंटरप्रेन्योरियल जो प्लान होगा उसके अंदर होंगी ही लेकिन इसके अलावा तीन और चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं सबसे पहले जो एक स्ट्रेटजिक सोशल एंटरप्रेन्योरियल प्लान है उसके अंदर एनवायरमेंटल और सोशल इनोवेशन का एनालिसिस किया जाता है कि ये जो इनिशिएटिव है इसके इसमें किस तरह से इनोवेट किया जा रहा है सोशल कॉजेस के लिए और एनवायरमेंटल इश्यूज के हवाले से के क्या ये वेंचर नंबर वन एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है नंबर टू अगर नहीं भी करता तो क्या ये एनवायरनमेंट के लिए किसी तरह से कोई रिस्क या डेंजर तो इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर जो प्रोडक्ट सर्विसेज आप देने जा रहे हैं तो इनोवेशन जो है वो एनवायरमेंटल और सोशल सबसे पहले उसका एनालिसिस स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर होना चाहिए दूसरे नंबर पर इम्पेक्ट सोशल इम्पेक्ट ऑफ कोर्स सोशल एंटरप्रेन्योर का सारा प्रमिस जो है सारी एक्टिविटी का वो सोशल इम्पेक्ट या वैल्यू एडिशन का है कि जो एक्टिविटी वो करने जा रहा है उससे उस, उस माशरे में एक तब्दीली आएगी एक इम्पेक्ट होगा लोगों की जिंदगियों के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर और ऑफकोर्स वो इम्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा तो उस इम्पेक्ट के हवाले से एक तरह से जो सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उस किस्म का एक फ्रेमवर्क जो है वो चाकआउट किया जाता है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितना इम्पेक्ट होगा और तीसरा एलिमेंट जो कि बिज़नेस स्ट्रेटजिक प्लान के अलावा सोशल एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजिक प्लान में होता है वो है स्केल या सस्टेनेबिलिटी बिजनेस यूजुअली स्केल अचीव कर लेते हैं क्योंकि पर्पस होता है प्रॉफिट या एक्सपेंशन जो सोशल कॉजेज हैं उनमें स्केल अचीव करना या उनको बड़े पैमाने पर अचीव करने की कोशिश करना जो है वो एक चैलेंज रहा है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो उसके हवाले से स्ट्रेटजिक प्लान में स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है एंड वंस स्केल इज अचीव्ड बड़े पैमाने पर उस वेंचर को जो है वो एक्सपेंड कर भी लिया जाए तो फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न होते हैं अगरचे शुरू करने से पहले देखना मुश्किल है कि किस तरह इसको सस्टेन किया जाएगा लेकिन फिर भी एक रफ़ प्लान या एक स्ट्रेटजी जो है वो बिज़नेस प्लान के अंदर होनी चाहिए स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर कि क्या स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के चांसेस स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो बिजनेसेस तो इसलिए करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें वो पहले से मार्केट का अपनी प्रोडक्ट का उसमें फाइनेंशियल हर तरह का एनालिसिस करके रखते हैं क्योंकि वो हर डॉलर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और मैक्सिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन प्रॉफिट या सोशल एंटरप्रेन्योर्स और ख़ास तौर पर नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ज़रूरी है मिशन को एकम्पलिश करने के लिए वो सोशल कॉज जिसको लेकर ये वेंचर शुरू किया गया था सोशल कॉज और फाइनेंशियल जो अलाइनमेंट है उसको करने के लिए एफर्ट जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए अमूमन सोशल इंटरवेंशनस आसान नहीं होती एक दफा अगर एक कामयाब एफर्ट हुई है तो उसका कंटिन्यू करना आसान है बनस्बत एक नई एफर्ट स्टार्ट करने के और ऑफ कोर्स सस्टेनेबलिटी के इस एफर्ट को कैसे कंटिन्यू रखा जा सकता है और सोशल इम्पैक्ट को बढ़ाया जा सकता है थैंक यू